सो लास्ट क्लास में हमने सीखा डांस क्या होता है, डांस जीरो से कैसे स्टार्ट करें और बॉडी पोस्चर्स कैसे रखें। फिर हमने सीखे तीन स्टेप्स जो कि थे बॉक्स स्टेप, जैक स्क्वायर और बेसिक टर्न। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज BPM। क्या आपको ये बीट सुनाई दे रहा है? वी विल कॉल इट बीट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ये वाले बीट्स जितनी बार एक मिनट में बजेंगे दैट विल बी बीट्स पर मिनट। फॉर एन एग्जाम्पल जो BPM अभी है, ये वाला जो बीट है, इट विल बी प्लेइंग 60 टाइम्स इन 1 मिनट। सो दिस बिकम्स 60 BPM। क्लियर? नाउ लेट्स प्ले 120 BPM। इज वेरी फास्ट राइट, क्योंकि दिस इज 120 BPM। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जितने ज्यादा BPM उतना रिदम फास्ट, जितने कम BPM उतना रिदम स्लो। और ये रिदम हर सॉन्ग में यूज होते हैं, हर गाने में यूज होते हैं। नाउ आई टीच यू हाउ टू काउंट विद BPM। बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि काउंट्स होते क्या है। काउंट्स का मतलब होता है जब हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए BPM को नंबरिंग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल पहले बीट से 8 बीट तक हम लोग काउंटिंग करेंगे। सो वन बीट वन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बट अंडरस्टैंड 8 के बाद हम लोग 9th काउंट नहीं करेंगे, विल कम बैक अगेन टू 1। वाई? क्योंकि जैसे कि हर सॉन्ग में या हर म्यूजिक में सुर 8 ही होते हैं, वैसे डांस में भी काउंट्स 8 ही होते हैं। सो वी आर गोइंग टू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैक टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वन मोर थिंग, जब 8 काउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम लोग ग्रुपिंग के साथ ही बोलते हैं 1 बार। सो जब 1 to 8 काउंट होगा दैट इज बार 1, नेक्स्ट 1 to 8 काउंट होगा दैट इज बार 2। सो ऐसे हम लोग अनलिमिटेड बार्स बना सकते हैं, वी कैन कट द होल सॉन्ग इनटू बार्स। क्लियर? सो नाउ लेट्स काउंट विद द BPM। दिस इज 60 BPM एंड वी आर गोइंग टू काउंट। वी स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Now let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So now you know कि BPM क्या होता है और counts कैसे किया जाता है BPM पे। So now it's time to learn the dance। अब जो theory है उसको practical में try करते हैं, मतलब BPM को music पे count करके try करते हैं। So music। Again and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Now let's learn the first step of the day directly from the breakdance. It is called front step. All right. So let's learn the step. It's very easy. Right, left, forward, step. Take it back together. Left leg forward, step, take it back together. Now hands open in, open, but आपको अपना chest भी बाहर निकालना है and together. Ready? Let's do it together. 1, 2, 3, 4, 5 Open your hands. 7, 8 Now let's do it a bit more with power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 So let's learn second step of the day, which is cross out jumps. All right, let's learn the step. Cross both the legs. Now right leg will come forward. We'll go towards the right side. Open karo. Right leg bend rahega. Left leg seedha. Now come in, but left leg aage. Cross. Now go towards the left side. Open and in. Very good. Let's do it one more time. Cross. Out, cross, out. Superb.
थोड़ा सा फास्ट करेंगे, एक और बार क्रॉस आउट क्रॉस आउट क्रॉस आउट क्रॉस आउट क्रॉस। Let's learn step number 3, that is side hustle. All right, let's learn. Right leg goes out. Step together के time पे pop up करेंगे. Left goes side. वापस अंदर आने के time पे pop up. इस बार right diagonally forward. अंदर आते वक्त वापस pop up. Left diagonally forward. अंदर आते हुए pop up. Easy. Let's do it again. Go side and up. Left and up, right and up, left and up. Super. So I hope आज के सारे concepts clear है. And still, if you find any queries, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो भी मुझे बताना. नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं जंप्स, वेव्स, स्लाइड्स एंड ऐसे कुछ स्टेप जो आपको सारी जगहों पे, जैसे वेडिंग्स, क्लब्स, रील्स, कहीं भी जाओ काम आएगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.